प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रभर से जुड़े सम्मानित मुख्यमंत्री गण, मान्यवर देवियों सज्जनों, प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री जी, आज आपकी सरकार के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं। चाहे वो शिक्षा हो, सामाजिक न्याय हो, कृषि हो, वाणिज्य हो, आपकी सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं जो उपलब्धियों का उत्सव ना मना सके। लेकिन उपलब्धियों के साये में आपने सर्वप्रथम चिंता की, समय दिया देश के बच्चों को, क्योंकि आपकी सरकार सत्ता के अहंकार से नहीं, सेवा के स्वभाव से चल रही है। इस सेवा के स्वभाव का दर्शन विश्व ने किया जब कोविड की महामारी से जूझते 80 करोड़ नागरिकों ने 25 महीने मुफ्त का राशन पाया। आपकी सरकार का सामर्थ्य दुनिया ने स्वीकारा जब राष्ट्र में निर्मित वैक्सीन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों तक पहुंची। लेकिन इस प्रशासनिक संकल्प में शायद ही किसी का ध्यान इस बात की ओर गया हो कि देश के प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय गत एक वर्ष से देश में 4,345 बच्चों का संरक्षण स्वयं कर रहा है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को कोविड में खोया। हर महीने ऐसे बच्चों की आर्थिक सहायता हो, उन्हें शिक्षा मिले, वे स्वस्थ रहें, ये चिंता स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने की। इस संवेदनशीलता के साक्षी हम रहे इस विभाग में, ये हमारा सौभाग्य है। आज आपकी उपस्थिति प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र को संदेश है कि इस देश की धरोहर मात्र उसका इतिहास नहीं बल्कि उसका भविष्य है, कि देश की पूंजी मात्र उसका खजाना नहीं बल्कि उसके बच्चे हैं। दैट यू हैव लेड विद कंपैशन प्राइम मिनिस्टर इज नोन टू एवरीबडी इन इज आवर ग्रेटेस्ट जॉय, बट योर प्रेजेंस टुडे सर इज अ मैसेज टू आवर चिल्ड्रन दैट द नेशन केयर्स, पीएम केयर्स। सेवा के 8 वर्ष के लिए राष्ट्र की ओर से हम सब आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपकी अनुमति से प्रधानमंत्री जी, अब हम एक लघु फिल्म दिखाना चाहेंगे जिसमें हम दर्शाना चाहते हैं कि सबके प्रयास से ये योजना कैसे वास्तविकता में बदले। साल 2020 कोरोना पूरी दुनिया के लिए बनकर आई अभूतपूर्व चुनौती, भारत भी नहीं रहा इससे अछूता। देश ने एकजुट होकर सदी की सबसे बड़ी महामारी का किया सामना, लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग बीमारी की चपेट में आकर हमें छोड़ भी गए। जो चले गए उनके पीछे परिवारों में रह गए बच्चे अकेले। नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। उन्होंने ऐसे बच्चों की सहायता से लेकर सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में शुरू की है एक पहल, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। साथ और विश्वास से भरा एक प्रयास जिसके तहत बच्चों को उनके अभिभावकों या रिश्तेदारों के संरक्षण में पहुंचाया गया है। बच्चे का कोई भी रिश्तेदार न होने की स्थिति में उसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाया गया है। आंगनबाड़ियां उनके संपूर्ण पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच का ख्याल रख रही हैं, और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। बच्चों के सुरक्षित संरक्षण का जिम्मा जिला मैजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। साथ ही भारत सरकार द्वारा बच्चों को छात्रवृत्ति के अलावा रहने, खाने और किताबों के लिए धनराशि दी गई है। छुट्टियों में उनके रहने की व्यवस्था उपयुक्त स्थान पर की गई है। उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन दिलाया गया है जिसके इंटरेस्ट का भुगतान पीएम केयर्स फंड से होगा। बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रधानमंत्री कोष से मिलने वाली धनराशि को आयु अनुसार इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि बच्चे के 18 साल का होने पर होगा 10 लाख रुपए। इस राशि पर मिलने वाले इंटरेस्ट से बच्चों को 18 से 23 साल की आयु तक हर महीने खर्च के लिए धनराशि दी जाएगी। साथ ही स्कूली शिक्षा के बाद तकनीकी शिक्षा के लिए स्वानाथ छात्रवृत्ति योजना से 50,000 रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जानी है। 10वीं के बाद स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए कौशल प्रशिक्षण का भी प्रावधान है। साथ ही गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी गई है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए लगातार काम कर रहा है, ताकि असीम क्षमताओं से भरे इन बच्चों का भविष्य हो उज्जवल और अनंत सफलताओं से भरा। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, साथ और विश्वास से भरा एक प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अनुमति से हम अब बच्चों को पीएम केयर्स योजना के दस्तावेजों का वितरण शुरू करेंगे। सभी से आग्रह है कि वो बच्चों को हमारे महानुभाव जो उपस्थित हैं उनके शुभ हस्तों से दस्तावेज का वितरण शुरू करें। धन्यवाद। अब हम आपसे पुनः वाले बच्चों को दी जाने वाली कक्षा 1 से 12 तक स्कूल जाने वाले बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि को डिजिटल रूप से हस्तांतरित करने के लिए अपने शुभ हस्तों से बटन दबाएं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने सतत इन बच्चों की चिंता की, इनका संरक्षण किया, इनका सामर्थ्य बढ़ाया। अब हमारा अनुरोध है कि आप अपना शुभाशीष शब्दों के माध्यम से इन बच्चों को राष्ट्र को दें। नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी, देश भर में अलग अलग स्थानों से जुड़े मंत्रिमंडल के सारे सदस्य, उनके साथ मौजूद वहां के वरिष्ठ नागरिक और विशेषकर जिनके लिए आज का ये दिवस है, वैसे उपस्थित सभी प्यारे बच्चे, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, अन्य महानुभाव और प्यारे देशवासियों, आज मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं। आज आप सभी बच्चों के बीच आकर मुझे बहुत सुकून मिला है। साथियों, जीवन हमें कई बार अप्रत्याशित मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। ऐसी स्थितियां जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है, हंसते खेलते हुए अचानक अंधेरा छा जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कोरोना ने अनेकों लोगों के जीवन में, अनेकों परिवारों में ऐसा ही कुछ किया है। मैं जानता हूं, कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके जीवन में आया ये बदलाव कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। हर दिन का संघर्ष, पल पल का संघर्ष, नई नई चुनौतियां, हर दिन की तपस्या,
आज जो बच्चे हमारे साथ हैं, जिनके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, उनकी तकलीफ शब्दों में कहना मुश्किल है। जो चला जाता है उसकी हमारे पास सिर्फ चंद यादें ही रह जाती हैं, लेकिन जो रह जाता है उसके सामने चुनौतियों का अंबार लग जाता है। ऐसी चुनौतियों में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। जिनके माता और पिता दोनों नहीं रहे, साथियों, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ है। मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी और अबाधित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जा चुका है। पीएम केयर्स के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाएगा। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4000 रुपये हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। साथियों, ऐसे बच्चे जब अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे तो आगे भविष्य के सपनों के लिए और भी पैसों की जरूरत होगी। इसके लिए 18 साल से 23 साल तक के युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा, और जब आप 23 साल के होंगे तब 10 लाख रुपया एक साथ आपको मिलेंगे। साथियों, एक और बड़ी चिंता स्वास्थ्य से जुड़ी भी बनी रहती है। कभी कोई बीमारी आ गई तो इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे को, उनके गार्जियंस को उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के माध्यम से आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है। इस कार्ड से 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा भी आप बच्चों को मिलेगी। साथियों, इन सब प्रयासों के बीच हमें एहसास है कि कई बार बच्चों को भावनात्मक सहयोग और मानसिक मार्गदर्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। परिवार के बड़े बुजुर्ग तो है ही नहीं, लेकिन एक कोशिश सरकार ने करने का प्रयास किया है। इसके लिए एक विशेष संवाद सेवा शुरू की है। संवाद हेल्पलाइन पर विशेषज्ञों से बच्चे मनोवैज्ञानिक विषयों पर सलाह ले सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी की आंच पूरी मानवता ने सही है। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां
सदी की इस सबसे बड़ी त्रासदी ने कभी न भुलाने वाले जख्म न दिए हो। आपने जिस साहस और हौसले से इस संकट का सामना किया है, उस हौसले के लिए मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं। देश की संवेदनाएं आपके साथ है और साथ ही आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश आपके साथ है। और मैं एक बात और कहूंगा, मैं जानता हूं कोई भी प्रयास, कोई भी सहयोग आपके माता पिता के स्नेह की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन अपने पिता के, अपनी मां के न होने पर इस संकट की घड़ी में मां भारती आप सभी बच्चों के साथ है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के जरिए देश अपनी इस जिम्मेदारी के निर्वहन की कोशिश कर रहा है और ये प्रयास किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या सरकार का मात्र प्रयास नहीं है। पीएम केयर्स में हमारे करोड़ों देशवासियों ने अपनी मेहनत, अपने पसीने की कमाई को जोड़ा है। आप याद करिए सेवा और त्याग के कैसे कैसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं। किसी ने अपने पूरे जीवन की कमाई दान कर दी, तो किसी ने अपने सपनों के लिए जोड़ी गई पूंजी इसमें लगा दी। इस फंड ने कोरोना काल के दौरान अस्पताल तैयार करने में, वेंटिलेटर्स खरीदने में, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में बहुत मदद की। इस वजह से कितने ही लोगों का जीवन बचाया जा सका, कितने ही परिवारों का भविष्य बचाया जा सका। और जो हमें असमय छोड़ गए, आज ये फंड उनके बच्चों के लिए, आप सबके भविष्य के लिए काम में आ रहा है। साथियों, अभी आप सबको जीवन में एक लंबी यात्रा करनी है। आप सभी बहुत साहस से जीवन में आई स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमारे देश में, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो हमारे देश में हो या विश्व में हो, उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी अलग अलग तरह की मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो सफलता के शिखर तक पहुंचे। उन्होंने हार को कभी हताशा में नहीं बदलने दिया। जीत का यही मंत्र आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेगा, मदद करेगा, इसे कभी भूलना नहीं है। एक और बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अब आपके पास अच्छे बुरे, सही गलत, इसका भेद बताने के लिए आपके परिजन और शिक्षक ही है। इसलिए आपका दायित्व है कि उनकी बातें सुने, उनकी बातें माने।
आपका एक भरोसेमंद साथी ऐसे संकट की भरी जिंदगी में जो बहुत बड़ी मदद कर सकता है वो अच्छी पुस्तकें भी हो सकती हैं। अच्छी पुस्तकों से सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि वो आपको मार्गदर्शन भी देती है। आपको मैं एक और सलाह दूंगा साथियों, जब बीमारी आ जाए तो उपचार की जरूरत तो होती है लेकिन जीवन उपचार से नहीं आरोग्यता से जुड़ा होना चाहिए। बच्चों के लिए आज देश में फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान चल रहे हैं। आपको इन सभी अभियानों से जुड़ना चाहिए, उनका नेतृत्व करना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद ही योग दिवस भी आने वाला है। आपकी पढ़ाई लिखाई के साथ ही योग भी आपके जीवन का अंग बने ये भी बहुत जरूरी है। साथियों, निराशा के बड़े से बड़े माहौल में भी अगर हम खुद पर भरोसा करें तो प्रकाश की किरण अवश्य दिखाई देती है। हमारा देश तो खुद ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम इस समय अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सैकड़ों सालों की गुलामी में इतनी लंबी आजादी की लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? हमारी ताकत थी हार न मानने की हमारी आदत। हमारी ताकत थी अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर देश के लिए, मानवता के लिए सोचने और जीने के हमारे संस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव में हम इसी स्पिरिट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसी स्पिरिट को देश ने कोरोना के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई में जिया है और दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है। आप देखिए, 2-2.5 साल पहले दुनिया में किसी को कोरोना वायरस के बारे में ठीक से पता ही नहीं था। हर कोई दुनिया के बड़े बड़े देशों की तरफ उम्मीद लगाए देख रहा था। भारत के बारे में तो कहीं कोई सकारात्मक बात भी करने को तैयार नहीं था बल्कि ऐसे हालातों में तबाही का जो इतिहास रहा है उसकी वजह से लोग भारत को बहुत ही आशंका की नजर से देख रहे थे लेकिन नकारात्मकता के उस माहौल में भारत ने अपने सामर्थ्य पर भरोसा किया। हमने अपने वैज्ञानिकों, अपने डॉक्टर्स, अपने युवाओं पर भरोसा किया और हम दुनिया के लिए चिंता नहीं बल्कि उम्मीद की किरण बनकर के निकले। हम प्रॉब्लम नहीं बने बल्कि हम सॉल्यूशन देने वाले बने। हमने दुनिया भर के देशों को दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी। अपने इतने बड़े देश में भी हम हर एक नागरिक तक वैक्सीन लेकर गए। आज करीब 200 करोड़ वैक्सीन डोज देश में लगाई जा चुकी है। इस आपदा के बीच ही हमने आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प की भी शुरुआत की और आज ये संकल्प तेजी से सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए कोरोना के दुष्प्रभावों से निकलकर आज हम सबसे तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं।
विश्व हमें आज एक नई उम्मीद से, नए भरोसे से देख रहा है। साथियों, आज जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है तो देश का आत्मविश्वास, देशवासियों का खुद पर भरोसा भी अभूतपूर्व है। भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ के घोटाले, भाई भतीजावाद, देश भर में फैल रहे आतंकी संगठन, क्षेत्रीय भेदभाव, जिस कुचक्र में देश 2014 से पहले फंसा हुआ था, उससे अब बाहर निकल रहा है। ये आप सभी बच्चों के लिए इस बात का भी उदाहरण है कि कठिन से कठिन दिन भी गुजर जाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर चलते हुए भारत